कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ किया तो अब असंतुष्ट पुजारी भी आगे आ गए हैं। अखिल भारतीय संत धर्म सभा पुजारी समिति बड़नगर द्वारा उनकी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया गया है कि किसानों का कर्ज माफ किया है तो पुजारी का कर्जा क्यों मुक्त नहीं किया। पुजारियों को मंदिर की कृषि भूमि पर उन्नत कृषि हो सके इसके लिए स्थायी विद्युत कनेक्शन निःशुल्क दिया जाए। मंदिर की कृषि भूमि की ऋण पुस्तिका तत्काल पुजारियों को दी जाए। पुजारियों का मानदेय बढ़ाया जाए। मंदिर की भूमियों की कब्जादारी भूमाफियाओं को तत्काल हटाया जाए। पुजारी के पक्ष में प्रोटेक्शन एक्ट कानून बनाकर सुरक्षा दी जाए। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर विधायक मुरली मोरवाल को भी ज्ञापन दिया गया। किस संबंध में ज्ञापन दिया गया आज? पुजारियों की विभिन्न समस्याओं के बारे में आज मुख्यमंत्री जी के नाम पुजारियों ने ज्ञापन दिया है, जिसमें 14-15 जो मुख्य समस्या पुजारियों की है, मानदेय की है, क्रेडिट कार्ड की है और अतिक्रमण संबंधित है, पुजारी नियुक्ति संबंधित है, अन्य समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री जी के नाम आज हमने ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन के माध्यम से हम समस्या का शीघ्र निदान करने की मांग मुख्यमंत्री जी से करते हैं। अगर कितने दिन का समय दिया आपने? समय हम चाहते हैं कि अति शीघ्र हो और इसके पश्चात भी अगर हमारा कार्य पूर्ण नहीं होगा तो पुजारी अखिल भारतीय संत धर्म समाज अति शीघ्र एक आंदोलन की राह पर चलने के लिए मजबूर होगा।